नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की और उसको बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। और एक गाजर ली है, उसको भी इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और दो हरी मिर्च, एक टमाटर, इस तरह से मैंने सभी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक गोभी ली है मैंने 500 ग्राम के करीब। गोभी को इस तरह से इसका नीचे वाला छिलका निकाल देना है, इस तरह से काट लेना है। इस तरह से काट के मैं इसको गर्म पानी में डाल रही हूँ, जिससे इसके कीड़ा वीड़ा हो तो बाहर निकल जाएगा। और ये हरी मटर ली है मैंने, ताज़ा मटर है ये 50 ग्राम के करीब। इस तरह से मटर को छील लेना है। मटर को मैंने इस तरह से छील लिया है। और चार आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, इनका छिलका इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए आलू हमारे छिल चुके हैं। अब मैंने इस तरह से सभी आलूओं को इस तरह से कट कर लेना है। अभी हमारी सब्ज़ी कट कर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें जीरा डाला है, जीरे को चटका लेना है। और ये खड़े मसाले ले रही हैं, एक तेज़पत्ता, लौंग और इलायची बड़ी वाली। मसालों को भून लेना है इस तरह से। अब मैंने जो सब्ज़ी चॉप करके रखी थी, ये प्याज और हरी मिर्च मिक्स कर दिए हैं इसमें। गैस को लो फ्लेम पर रखना है और धीरे धीरे इस तरह से प्याज को हल्का ब्राउन होने तक मैंने भून लिया है। और एक चम्मच ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स कर दिया है। इस तरह से अच्छे से इसको मसाले को भून लेना है। एक चम्मच मैंने सब्जी मसाला लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और ये एक चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है और एक दो मिनट के लिए भून लेना है। अब ये टमाटर और मटर इसमें मिक्स कर दिए हैं इस तरह से। और ये थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, इस तरह से मिक्स कर दिया है इसमें। अब ये गोभी मैंने जो गर्म पानी में डाल के रखी थी वो इसमें मिक्स कर दी है। और ये आलू जो मैंने काट के रखे थे उनको इसमें इस तरह से मिक्स कर दिया है। सभी सब्जियों को मैंने जो भी काट के रखी थी इसमें मिक्स करके इस तरह से ढक के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद मैं सब्ज़ी को चला के देख रही हूँ। इस तरह से ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल गई है, देख रहे हैं आप, पानी भी जल गया है इसका। अभी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें हरा धनिया मिक्स कर दिया है। अब ये हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। यदि आपको मेरी ये आलू गोभी की बढ़िया सी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।